दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में आके एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ऐप को अपडेट कर रहे हैं? ये अपडेट मांग रहा है, इसको अपडेट कर रहे हैं तो ये अपडेट नहीं हो रहा है। देखिए, अपडेट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अपडेट नहीं हो रहा है, और मैं इस पर टैप करके अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है केवल इस ऐप में, और फ्रेंड्स ये जो गूगल क्रोम है इस ऐप में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि आज की वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगा। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में आ जाना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऊपर ऐप लिस्ट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप लिस्ट पर क्लिक करते ही फ्रेंड देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन को सर्च करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने गूगल प्ले स्टोर लिख कर आ रहा है, ये सामने आ गई है, इस पर गूगल प्ले स्टोर पर हमें क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, स्टोरेज यूजेस का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लियर डाटा लिखा है, इस पर क्लियर डाटा पर हम लोग को क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड देखिए, क्लियर डाटा हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको कट कर देना है इसे डायरेक्टली, और फिर से फ्रेंड्स आपको अपना क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने फ्रेंड देखिए, यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है, माई एप्स एंड गेम्स पर आना है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू को ये नज़र आ रहा है, इस पर आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स आपका देखिए अपडेट नहीं हो, मेरा तो अपडेट होने लगा है, तो आपको करना क्या है, अपडेट ऑल पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आपके देखिए सारे ये जितने भी एप्लीकेशन है वो सब अपडेट होने लगेंगे और आपका इसके साथ भी अपडेट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपका इतना करने के बाद इस पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड नहीं हो रहा हो तो आप यही तरीका अपनाइए। फ्रेंड्स देखिए, मेरा तो हो रहा है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू पर, मैंने क्लिक किया, ये डाउनलोड होने लगा है। अगर आपका नहीं हो तो आप अपडेट ऑल पर क्लिक कर दिएगा तो आपका भी डाउनलोड होने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ये डाउनलोड 100%। तो फ्रेंड देखिए, हमारा इंस्टॉल भी हो चुका है, अब अनइंस्टॉल को ऑप्शन आ रहा है, अब अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।